बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में सागर की बात सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इन दिनों मिल रहे हैं। टीकमगढ़ शहर में पिछले 15 दिनों में 78 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। बुधवार को 18 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में अब तक 1910 लोगों के सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 80 मरीज मिले हैं और अभी तक 28 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। बाकी कोरोना एक्टिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। शहर में अभी तक 21 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लॉकडाउन में आवश्यक चीजों की दुकानें, मेडिकल स्टोर के खोलने की छूट दी गई थी। इस सब के अलावा कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। SDM सौरभ मिश्रा के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री की ट्रेसिंग तेजी से की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। वहीं प्रभारी CMHO डॉक्टर PK महोर ने बताया कि टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में अभी तक 1900 से ज्यादा सैंपलों की जांच की जा चुकी है। बिल्कुल, आप सभी लोग देख रहे होंगे लगातार पेशेंट थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने पूरी तरह से इस पे कंटेनमेंट जोन में जो अभी प्रसार किया है उसके अंदर अधिकतर केस आ रहे हैं और उसमें हमने अलग अलग प्रकार से ड्यूटियां लगाई हुई हैं। पूरे कंटेनमेंट को 7 पहले जोन में डिवाइड किया था, उसके बाद और थोड़ा सा बड़ा करके 18 गेट बनाए हैं जो कि 100% लॉक हैं, जिनमें केवल 2 जगह से बाहर निकलने की सुविधा दी गई है और उसी में अधिकतर केस हैं। जो कुछ केसेस बाहर हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है, जिससे जो केस अब आ रहे हैं अधिकतर वो पहले से ट्रेस्ड या फिर प्राइमरी कॉन्टैक्ट किसी और के हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम उनके पास जल्दी चले जाते हैं और इन्फेक्शन फैलने में थोड़ा सा पहले जैसा जितना शुरुआत में 8-10 दिन पहले हो रहा था वैसा तो अब नहीं है। कितने मरीज हैं अभी तक? अभी की स्थिति में टीकमगढ़ की मैं बात कर सकता हूँ, 30 लगभग मरीज हैं, 30-32 मरीज हैं और आज के डेटा को छोड़ के, क्योंकि जैसा ही कंफर्म होता है तब उस डेटा को हम इंक्लूड कर सकते हैं। सर, जैसे अभी 2 दिन से लॉकडाउन है, आज कितना दिन है जी, सुरक्षा को देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जैसा पूरा देश प्रदेश अनलॉक में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस को बढ़ते हुए माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अच्छा करने के लिए और जो सघन जांच है, मेडिकल स्क्रीनिंग है, उसको और रिफाइन करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन इसका उद्देश्य पूरा जैसे ही हो जाता है ये चीज़ अलग करके और जनता के सहयोग से हम इसको कंट्रोल करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं प्रशासन की तरफ से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में आप इस समय को समझें और ये आपका ही शहर है, आपके ही लोग हैं जो किसी प्रकार से संक्रमण में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करें, जो शासन के नियम हैं उनका पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें जिससे हमें किसी प्रकार की सख्ती ना करना पड़े। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज़।